हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉम एंड मी। आई होप कि आप सभी लोग खुश स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आप बनारस में रहने वाले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो पता ही हो गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ की है और कैसी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जाके इन चीज़ों को लाइव देखे होंगे। इसका अलग ही मज़ा है। तो जो बनारस से बहुत दूर हैं उन सबको मैं बता दूं, बनारस एक मात्र ऐसा शहर है जहां देव दीपावली का उत्सव बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन बनारस के हर घाटों पे पूरा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़। सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली किस तरह से मनाया जा रहा है उसे देखने के लिए। मैं तो बनारस में ही थी लेकिन मैं घाट में नहीं गई थी। मेरे घर के ही पास बनारस की एक बहुत ही पुरानी मंदिर है जो कि कर्धमेश्वर महादेव। यहाँ से पंचकोसी का यात्रा प्रारंभ होती है, तो मैं वहाँ गई थी कर्धमेश्वर महादेव, जहाँ एक बहुत ही बड़ा कुंड है, बहुत बड़ा तालाब। फिर दीपावली से ठीक एक दिन पहले मैं गई थी अस्सी घाट पे, जहाँ पे बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था और गंगा आरती। गंगा आरती तो कभी छूटी नहीं सकती है। तो आप देख सकते होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने गंगा आरती देख ली थी एक दिन पहले, लेकिन देव दीपावली के दिन यहाँ पे आके मैनेज कर पाना, निकलना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। इस वजह से मैं कर्धमेश्वर महादेव मंदिर गई, जहाँ पे बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देव दीपावली मनाई। काले शिव के मनाई दुलो, कि काले शिव के मनाई दुलो शिव। आप सभी लोग कालियों का साथ देते हो, काले के शिव के मनाई दुलो। जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखिए, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। सबसे अच्छी बात तो ये रही, कर्धमेश्वर महादेव पे जो देव दीपावली मनाई जा रही थी, हम लोग बहुत ही टाइम पे पहुँचे थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ जा कर के हम लोग अच्छे से भगवान कर्धमेश्वर महादेव जी का दर्शन भी किए और हमने भी वहाँ पर दिए जलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दिए जला के रख दे रहे थे लेकिन वो तुरंत बुझ जा रहे थे, जैसे बाती है तेल में डूब जा रही थी। तो इस तरह के जो दिए थे मैंने उन्हें जलाए, जिससे बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहे थे, कुंड के चारों तरफ जितनी सीढ़ियाँ थी, चारों तरफ जितनी भी सीढ़ियाँ थी पूरे दिए से बाती से ढके हुए थे, चारों तरफ दिए जल रहे थे और बहुत सारी रंगोलियाँ बनी हुई थी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, हालांकि धीरे धीरे भीड़ बहुत बढ़ती ही जा रही थी। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी, अपनी दीदी और अपने बच्चों के साथ गई हुई थी, तो बच्चों के साथ जाना और बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि हम लोग बहुत टाइम पर ही पहले ही पहुँच गए थे, ताकि हम लोग भी अच्छे से इस जगह को और भगवान के दर्शन को कर सके, और इतना अच्छा टाइम जो मुझे मिला है उसको मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूं। और ये मतलब मुझे लग रहा है मैंने कितने सालों बाद देव दीपावली को अच्छे से एंजॉय किया है वहाँ पे जाकर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने भी प्रस्तुतियां दी है। ऐसे हमारे जिला सरकार श्री राघवेंद्र शर्मा राष्ट्र के भी आप सभी बने रहिए इस संयोजी मेलेडी के पावन महोत्सव में। सजे हुए हैं चारों तरफ 51,000 समिति द्वारा पूरे भूले कर्पूरेश्वर महादेव की जय। हरे बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे लेकिन कुछ कुछ दिए ऐसे थे जो कि उसको मतलब उसने दिया जो बाकी जला जला के वापस से रख लेते हैं जिससे कि दिया भी नहीं होता है अच्छे से दिया जल जाता है और मैं भी थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर लेती हूँ। भगवान जी के पास तो हम लोगों ने दिया जलाया और पूजा अच्छे से की ही थी। यहाँ रही मेरी मम्मी जो कि भगवान शिव के मंदिर के बाहर दिया जला रही हैं। जब हम लोगों को वापस जाना हुआ तो हमने सोचा क्यों ना कुछ फोटोज वीडियोज भी बनवा ली जाए, तो हमने फोटोज भी बनाया और वीडियोज भी बनाया।
पे टिल्लू देख, टिल्लू देख। ये व्हाइट गोल वाला ना, ये देख मोबाइल घुमाया था जैसे। मम्मी देखिए इधर, हो गया यही जला दो ना, गोल्ड लाते हैं शॉर्ट हो जाएगा पूरा। कोई नहीं मारते, चल दीदी क्या करते। ओ दीदी चलो, दीदी कल में बैठ जाओ, ये काम कर। वेरी गुड, खुश हो गया। ओ लखिया ए अरे अरे, ओ इधर इधर देखो, हंसो मत, हंसना मत। हेलो, और दीदी का गला मत पकड़ना, इधर साइड में चल जा। हेलो, रुकिए 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 बन रहा है तो भी मजा आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इस साल देव दीपावली को मनाया, देव दीपावली को एंजॉय किया। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वही वे।